नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम निरंतर बात करते चले जा रहे हैं कि आने वाला नव वर्ष सन 2018 विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव लेकर के आएगा, कैसा रहेगा आपका ये नव वर्ष सन 2018। दोस्तों, जब कभी भी हमें बात करनी होती है पूरे वर्ष की, तो हमें बड़े ग्रहों की बात करनी होती है जो साल भर उन्हीं राशियों में रहेंगे। तो पहला ग्रह है बृहस्पति महाराज, जो कि अक्टूबर तक रहेंगे, और शनि महाराज तो अभी सन 2020 तक इसी राशि में रहेंगे, यानी बृहस्पति महाराज तुला राशि में रहेंगे और शनि महाराज जो है धनु राशि में रहेंगे। तो दोस्तों, अब बारी है कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज उनके नवम स्थान में गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज उनके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, पौराणिक ज्योतिष में एक बात बोली गई है कि जब कभी भी बृहस्पति महाराज और शनि महाराज एक साथ किसी एक राशि को देखते हैं, एक हाउस को देखते हैं, वो हाउस एक्टिवेटेड रहता है और उसके हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, बृहस्पति महाराज की तीन दृष्टियां होती हैं, पांचवीं, सातवीं और नौवीं, और शनि महाराज की तीन दृष्टियां होती हैं, तीसरी, सातवीं और दसवीं। तो बृहस्पति महाराज की एक, दो, तीन, चार, पांच, पांचवीं दृष्टि आपकी ही राशि यानी कुंभ राशि पर है। इसके अलावा शनि महाराज की तीसरी दृष्टि, एक, दो, तीन, तीसरी दृष्टि भी कुंभ राशि पे, यानी कुंभ राशि स्वयं इटसेल्फ एक्टिवेटेड रहेगी। यानी जितने भी लोग कुंभ राशि के हैं उनका क्या है कि इस समय कर्म प्रधान उनको बना देगी, यानी काफी हद तक भाग दौड़ पूरे वर्ष भर रहेगी और इस भाग दौड़ का आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। यानी आपको बहुत मेहनती और कर्मठी वो बनाएंगे और आप अपने कार्य के लिए काफी हद तक भाग दौड़ करते रहेंगे, जिसके कारण आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स वो मिलते चले जाएंगे, कहीं ना कहीं लाभ आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी राशि एक्टिवेटेड होने के कारण आप मेहनत करेंगे और मेहनत का रिजल्ट तो हमें जरूर मिलता है। परंतु क्या है कि लगन एक्टिवेटेड है आपका, राशि का जो फर्स्ट हाउस होता है वो हम उसको लगन भी मानते हैं, तो लगन एक्टिवेटेड है तो थोड़ी बहुत तबीयत हल्की फुल्की नासाज रह सकती है। यहां अगर आपको कुछ ऐसा है, कुछ छोटी मोटी डायग्नोस आपकी बीमारी होकर के वो भी ठीक हो जाएगी, यानी आपके लगन को एक्टिवेटेड रखेंगे, आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर होगी। परंतु दोस्तों, बात यह है कि शुभ फल कई बार क्या है कि छोटा मोटा अशुभ फल भी हमें मिलता है। उसका कारण, अगर आपकी महादशा अंतरदशा पहले से बहुत अच्छी चल रही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तब तो आपको शुभ फल ही मिलेंगे। परंतु अगर महादशा अंतरदशा थोड़ी सी खराब नक्षत्रास में चल रही है तो छोटे मोटे अशुभ फल मिल सकते हैं, यानी हल्की फुल्की तबीयत खराब हो सकती है, पर क्या साल के मध्य तक आपको शुभ फल मिलने लग जाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कुंभ राशि के जातकों के लिए अगला वर्ष अच्छे ही फल लेकर के आ रहा है। फिर भी अगर उनको लग रहा है कि कुछ छोटी मोटी समस्याएं उनके साथ चल रही है, उतने शुभ फल उनको प्राप्त नहीं हो रहे, तो जितना हो सके अगर वो गरीब व्यक्तियों की मदद करें, यानी उनको कुछ खाना, भोजन, कपड़े इत्यादि हैं, किसी भी प्रकार से किसी गरीब व्यक्ति की कुछ मेडिकल हेल्प कर दें, भाई उनकी दवाइयों का खर्चा उठा लें, कुछ इस प्रकार की चीजें करेंगे, तो वो देखेंगे कि वो और भी अच्छा फल उनको देता चला जाएगा और ओवरऑल उनका 2018 बढ़िया जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं कुंभ राशि के जातकों के साथ है। इसके साथ साथ आप सभी लोगों को नव वर्ष सन 2018 की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।